आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर्स पुलिस अधीक्षकों की कॉन्फ्रेंस 6 जून को मंत्रालय में दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। प्रथम सत्र में आपको बता दें 1 बजे से लेकर 5 बजे तक ये सत्र आयोजित होगा, जिसमें समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगर निगमों के आयुक्त उपस्थित रहेंगे। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का दूसरा सत्र शाम 5 बजे से रात 7 बजे तक होगा, जिसमें समस्त संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना नरवा गुरवा घुरवा और बाड़ी लोक सेवा गारंटी अधिनियम में के अंतर्गत प्राप्त आवेदकों के निराकरण की स्थिति सहित कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के विकासखंड पथरिया के ग्राम लोहंदा में जिले के प्रथम आदर्श गौठान का लोकार्पण किया। उन्होंने गौठान में निर्मित वेटनरी हेल्प डेस्क, कोटना कुट्टी मशीन, शेड, नाडेप और कंपोस्ट खाद का अवलोकन किया। उन्होंने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए और नरवा गुरवा घुरवा बाड़ी योजना के संबंध में सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 2,21,35,000 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्राम बीरगांव में 54,45,000 रुपए की लागत से नव निर्मित नल जल योजना का भी लोकार्पण किया, साथ ही बदरा किया गया। वहीं इस मौके पर दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केरा झरिया आदर्श गौठान का शुभारंभ किया और चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधी बात की है। सीएम ने ग्रामीणों को नरवा गुरवा घुरवा बाड़ी योजनाओं के फायदे बताए, साथ ही इस योजना से जुड़ने की अपील की है। इस दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टीएस सिंहदेव, राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल, विधायक पुरुषोत्तम कंवर, मोहित केरकेटा, ननकी राम कंवर, पूर्व बोधराम कंवर भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि गांव के पशु अब खेतों में नहीं बल्कि गौठानों में रहेंगे, जिससे किसान बिना किसी चिंता के अपने खेतों में अनाज उगा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इन गौठानों के लिए की गई सभी व्यवस्थाओं की जानकारी भी उपस्थित ग्रामीणों को दी है। खबर बिलासपुर से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रेणुका सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की एक महिला विधायक को मंत्री बनाया गया है, ये गर्व की बात है। उनके मंत्री बनने से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। छत्तीसगढ़ को इनके मंत्री बनने का लाभ मिलेगा, देश को इनके मंत्री बनने का लाभ मिलेगा, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सांसद अरुण शाह आज पहली बार तखतपुर पहुंचे, जहां उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मौके पर उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे अलग अलग होते हैं। विधानसभा क्षेत्र मुद्दों पर लड़े जाते हैं, जबकि लोकसभा राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। विधानसभा की हार भुलाकर कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ कार्य किया और लोगों ने भी राष्ट्रीय मुद्दों को महत्व देते हुए नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकारों को भारी विरोध और सरकार के दबाव के बीच अब मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ी फिल्में लगाने को तैयार हो गया है। कांग्रेस संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिलीप षडंगी ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रयास से सफलता मिली है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन को मेल किया गया था और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसका नतीजा है कि उन्हें मेल का जवाब देना पड़ा और मल्टीप्लेक्सों में छत्तीसगढ़ी फिल्में दिखाने पर सहमति बन गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछली भाजपा सरकार ने 15 सालों में अगर छत्तीसगढ़ी कलाकारों पर ध्यान दिया होता तो कलाकारों का कायाकल्प हो गया होता, लेकिन भाजपा सरकार ने पिछले 15 सालों में सलमान खान, करिश्मा कपूर, सोनू निगम आदि बड़े कलाकारों की खातिरदारी में लगे रहे। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के तैयार होने के बावजूद छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मल्टीप्लेक्स में अभी भी हमारी नियम और शर्त को नहीं माना जा रहा। छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक हमारे कांग्रेस की जो प्रकोष्ठ है
आपको पिछले कई दिनों से मल्टीप्लेक्स वालों से छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रचार प्रसार और प्रदर्शन के लिए प्रयासरत है और मेल द्वारा हमें सफलता भी मिली है। दूसरा प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ी फिल्में अगर छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई जाएंगी तो और कहाँ दिखाया जाए। लेकिन इसके साथ ये प्रश्न उठता है कि पिछले 15 सालों में भाजपा की सरकार ने अगर कलाकारों पर ध्यान दिया होता तो शायद आज छत्तीसगढ़ी कलाकारों का कायाकल्प हो गया होता। खबर रायपुर से है जहां घड़ी चौक स्थित राज टॉकीज में सलमान खान की फिल्म भारत रिलीज हुई है। फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक भी पहुंचे लेकिन सिनेमा हॉल में अव्यवस्थाओं का जमावड़ा देखकर लोगों ने सिनेमा हॉल में ही जमकर हंगामा किया और प्रबंधक पर भड़क उठे। साथ ही लोगों की माने तो लोगों से टिकट के पैसे मनमाने तरीके से लिए गए तो वहीं सिनेमा हॉल में कूलिंग व्यवस्था पूरी तरह से खराब पड़ी हुई है। इधर टॉकीज के मैनेजर का कहना है कि ऐसी एसी खराब होने के चलते दर्शकों को काफी परेशानी हुई, हमने टिकट पर सील लगाकर दे दिया है, जो जब चाहे आकर मूवी देख सकते हैं, उनका पैसा वापस नहीं किया जाएगा, उनको मूवी देखने का मौका दिया गया है। मेरा नाम राकेश कुमार साहू है, मैं यहाँ गुड़ियारी से आया हूँ, मैं एक रेलवे एम्प्लॉई हूँ मैं, और मुझे आज छुट्टी मिला है, मैं इसलिए आज देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ इतना बदतर व्यवस्था है यहाँ पर, अगर यही व्यवस्था रहेगा तो मैं तो सबको यही बोलूंगा कि यहाँ कभी पिक्चर देखना ना है, भले आप 50 रुपए ज्यादा खर्च करें मॉल में जाके देखिए। नहीं, इसको तो आपको फोन देखना पड़ेगा, 40 टेम्परेचर है मार्केट बाहर भी, पिक्चर में भीड़ ज्यादा है, ठीक है। तो नेचुरली होता क्या है कि एक साथ जब पब्लिक आती है हिट के साथ साथ में उसकी हीट भी बढ़ जाती है, तो एसी जो है उतना ठीक से काम नहीं कर सकता। अपने घर का एसी भी है उसमें अगर 50 आदमी या 2 आदमी है उसमें टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। छत्तीसगढ़ी फिल्मों को मल्टीप्लेक्स में लगाए जाने की मांग कर रहे कलाकारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ी कलाकार अंबुजा मॉल स्थित मल्टीप्लेक्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, कलाकारों को सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। हालांकि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निर्देश पर कलाकारों को रिहा किया गया तो दूसरी तरफ एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ी फिल्में मल्टीप्लेक्स में लगाने से इनकार कर दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों से खास बातचीत की है सुरा संवाददाता सत्या राजपूत ने। कारण आज छत्तीसगढ़ फिल्म एसोसिएशन द्वारा सभी मल्टीप्लेक्स में एक दिवसीय धरना दिया गया था और इनके द्वारा गिरफ्तारी भी दी गई है, इनको गिरफ्तार करके जेल परिसर लाया गया है, जिनकी संख्या करीब 265 है और इनका भी एक डेलीगेशन माननीय गृह मंत्री के साथ लोग चर्चा भी किए हैं और जो भी निर्णय होगा शासन स्तर पर उसके बाद आगे कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनकी मूवी मल्टीप्लेक्स में लगे, इस कारण वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, आज वो संस्कृति मंत्री के बंगले पे भी पहुंचे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ मांग है आपका और ये दो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म की मांग है, हमारे की मल्टीप्लेक्स वाला मन हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म नहीं लगाए, तो हमारी मांग है कि वो मतलब छत्तीसगढ़ी फिल्म लगाना चाहिए, छत्तीसगढ़ में मल्टीप्लेक्स चलते हैं, हमारे पास वैसे सिनेमा घर बहुत कम है, तो पुरजोर मांग है कि बिना कंडीशन बिना शर्त जैसे बाकी भाषा के फिल्म उमन लगाते, हिंदी लगाते, हॉलीवुड की फिल्म लगाते, मराठी लगाते, गुजराती बंगाली पंजाबी लगाते, वैसे हमारे फिल्म घलो लगाए। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि जो ये फिल्म नहीं लगाए जाते लेकिन सभी जान रहे हैं कि नहीं लगाया जाता, क्या कारण बताते हैं इसके पीछे फिल्म न लगाने का? इसके पीछे उनके ये कारण उमन बोलते हैं कि आज छत्तीसगढ़ी ऑडियंस जिन रही थे वो उखर पेप्सी कोका कोला या पॉपकॉर्न ला नहीं खरीदे, एक से उमन के कैंटीन नहीं चलाए तो उमन ला नुकसान होते, ऐसे उमन के कहीं ना है। देखा तो बाल सुखाकर द न्यू रेडमी नोट 7 प्रो विद 48 मेगापिक्सल कैमरा 48 मिलियन पिक्सल प्रिसिजन, अब हर डिटेल नोट किया जाए। Xiaomi. अब आइए कैश की किचकिच से मुक्ति, आसानी से अपना टाटा स्काई अकाउंट रिचार्ज कीजिए, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, ऑक्सीजन वॉलेट और अन्य मोबाइल वॉलेट्स के साथ। हाय, दिस इज सलमान खान। हाय।
प्रदेश में 6,000 लोग आएंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। अभी आपने सुना तमाम छत्तीसगढ़ के कलाकार, प्रोड्यूसर, निर्देशक, तमाम तरह के कलाकार यहाँ मंत्री जी के बंगले पे पहुँचे हैं। उनका मांग था कि मल्टीप्लेक्स में छत्तीसगढ़ी फिल्म को रिलीज किया जाए। इसके तहत वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मंत्री जी से मिले तो वो मंत्री जी ने साफ दो टूक कहा है कि मैं पहले से संज्ञान ले चुका हूँ इस मामले पे और कल 6 तारीख को इसकी मीटिंग रखी गई है। सभी तमाम कलाकारों से चर्चा करके एक एक घंटा चर्चा करने के बाद जो चर्चा में निकली बिंदु के आधार पर जो कुछ नियम कानून बनाया जाएगा उसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव करके नियम कानून के रूप में लाया जाएगा। कैमरामैन श्याम के साथ सत्यराज पूर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। जेल से छूटने के बाद कलाकारों ने गृह मंत्री से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे जहां पर कलाकारों को आश्वासन दिया गया है कि वहीं बताया गया कि 6 जून को मीटिंग रखी गई है। इसमें सभी प्रकार के छत्तीसगढ़ी कलाकार, फिल्मकार, निर्देशक, निर्माता सभी से एक घंटा चर्चा कर इसके बीच का उपाय निकाला जाएगा। इसके बाद आगे क्या करना है चर्चा की जाएगी। कलाकार इन दिनों धरना पर हैं, उनके अस्तित्व की मांग है, वो चाहते हैं कि जो उनकी मूवी है मल्टीप्लेक्स में लगे। इस वक्त हमारे साथ मंत्री जी ताम्रध्वज साहू जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि धरना प्रदर्शन लेकर इनकी क्या राय है। सर, जो लोक कलाकार हैं धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उनकी मांग है कि वो मल्टीप्लेक्स में छत्तीसगढ़ी मूवी रिलीज की जाए, जबकि आपने पहले से पहल की है। हम लोग तो पहल कर रहे हैं उनकी समस्या क्या है जानने के लिए, जानने के बाद उसका निराकरण करेंगे, हल करेंगे। जी तो सर, क्या उनका धरना करना, आपकी पहल करने के बाद दो धरना प्रदर्शन करना क्या उचित है, इसमें क्या करना? मैं पहले ही बताया, चर्चा कर लें उसके बाद जो निर्णय होता करते। जी, उनकी मांग है सर कि जो मूवी है छत्तीसगढ़ी मूवी वो मल्टीप्लेक्स में नहीं लगाए जा रहे हैं, तो वो ये मांग कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसीलिए तो मीटिंग बुलाए हैं, चर्चा में सब सामने आ जाएगा जो होना है, फिर चर्चा के बाद करते जो होना है। सर, अभी फिलहाल पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है, तो पुलिस अपना काम करती है, वो कर रही होगी, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, सामान्य प्रक्रिया है वो, उसकी कोई बड़ी बात नहीं रहती इस पर। तो अभी आपने सुना है मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को, जिनका साफ कहना है कि मैंने पहले पहल किया है और विभाग के माध्यम से उनको बुलाया गया है, लेकिन पहले से धरना प्रदर्शन करना और धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को मनवाना, तो अगर ये इसी राह पर चलना चाहते हैं तो इसी राह पर चलें, आगे जो भी तय होगा मीटिंग के बाद ही होगा। कैमरामैन श्याम के साथ सत्यराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें क्रिकेट से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर वर्ल्ड कप में आज भारत की दक्षिण अफ्रीका से सीधी टक्कर है। टीम इंडिया को 228 रन का लक्ष्य मिला है, दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 227 है। चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए हैं, वहीं बुमराह और भुवनेश्वर ने 2 विकेट गिराए हैं। वर्ल्ड कप में आज भारत की दक्षिण अफ्रीका से सीधी टक्कर है, 228 का लक्ष्य टीम इंडिया को मिला है, 227 रन दक्षिण अफ्रीका का है। चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके हैं, तो बड़ी खबर क्रिकेट से जुड़ी खबर है, जहां वर्ल्ड कप में आज भारत की दक्षिण अफ्रीका से टक्कर है, 228 रन का लक्ष्य टीम इंडिया को मिला है। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर आपको बता रहे हैं 227 पर 4। तो चहल ने सबसे ज्यादा विकेट यहां झटके हैं, बुमराह और भुवनेश्वर ने 2-2 विकेट झटकाए हैं। दर्शकों को बता दें बड़ी खबर क्रिकेट से जुड़ी, जहां वर्ल्ड कप में आज भारत की दक्षिण अफ्रीका से सीधी टक्कर है, टीम इंडिया को 228 रन का लक्ष्य यहां पर मिला है। अब खबर रायपुर से है, जहां अखिल भारतीय परिषद के विद्यार्थियों ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की है। विरोध कर रहे छात्रों ने कहा है कि मेडिकल में 250 सीटों से घटाए जाने पर विरोध किया है, स्वास्थ्य मंत्री खुद एसी में बैठे हैं और छात्र परेशान हो रहे हैं, यदि सीटें नहीं बढ़ी तो लगातार आंदोलन की बात भी उन्होंने कही है। मंत्री टीएस सिंहदेव सरगुजा दौरे पर हैं। अब खबर गरियाबंद से, जहां जिले के छुरा थाना क्षेत्र के ग्राम रसीला में जंगल में 3 जून को मिली एक अज्ञात महिला की लाश का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। महिला की हत्या की गई थी, हत्यारा उसका प्रेमी ही निकला।
पुलिस ने महिला के प्रेमी मोनू मेश्राम को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो रहस्य का खुलासा हुआ है। आरोपी हैं जगदीश यादव, अपने साथियों के साथ मिलकर के मोनू मेश्राम आरोपी के साथ इस घटना को पूरी तरह से अंजाम दिया था। थाना चुरा के रसेला गांव के ही तीनों लोग हैं। वहां गांव के पास जो जंगल है, कारी माटी बेलाटी जाने का रास्ता है, वहां शव को छुपा दिया गया। अब खबर धर्मपुरी से है, जहां ग्राम झिरवी में बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार युवराज दूध बांटकर अपने घर गोगावा जा रहा था, इसी दौरान इंदौर से अलीराजपुर जा रही राठौर बस ने टक्कर मार दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए धर्मपुरी अस्पताल भेज दिया गया है। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि दो यात्री बसों की आपस में टक्कर में ये हादसा हुआ। वहीं टक्कर होने के बाद यातायात कई घंटों तक मार्ग पर प्रभावित रहा। और अब खबर कोरबा से है, जहां प्रेमिका द्वारा जहर खाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है प्रेमिका ने प्रेमी को पाने के लिए अपने घर में 50,000 रुपए की रकम की मांग की। वहीं घर वालों ने जब मांग पूरी नहीं की तो युवती ने फिनाइल पीकर खुदकुशी कर ली, जिसके चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब वो खतरे से बाहर है। तो महिला द्वारा यहां खुदकुशी की कोशिश की गई, प्रेमी को पैसे ना देने पर प्रेमिका ने जहर खा लिया। दरअसल प्रेमिका ने घर से पैसों की मांग की थी, जब मांग उसकी पूरी नहीं हुई तो उसने फिनाइल पीकर खुदकुशी की कोशिश की। फिलहाल प्रेमिका का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कते पैसा? 40-50,000 रुपया। कौन मांगा? नहीं तो नहीं तो। अब खबर जशपुर से है, जहां लोखंडी गांव में एक युवक ने बुजुर्ग की हत्या कर दी। बताया जा रहा है आरोपी प्रदीप खलको गांव में अक्सर लोगों से विवाद किया करता था। गांव के लोग अल्बर्ट तेरकी नामक बुजुर्ग को बुलाकर विवाद का निपटारा करते थे। आरोपी को मृतक के प्रति इस बात का गुस्सा था कि मृतक जानबूझकर बैठक आयोजित करके आरोपी प्रदीप को परेशान करता है। इसी गुस्से में आकर आरोपी ने बुजुर्ग अल्बर्ट को टांगी से वार कर मौत की घाट उतार दिया। बहरहाल सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वो आरोपी है जो अपने पड़ोसी का एक तुम्हारी से जघन्य हत्या किया है, उसका मतलब ये आरोप था कि मेरे को ये जो मृतक है वो किसी छोटी छोटी गलती पर जो है ना समाज के द्वारा पंचायत बताता था, तो उसको समाज से दलित किया जाता था, इसलिए वो छूट था, परेशान था, इसलिए उसने उसकी हत्या की। केंद्र सरकार ने बीमारियों की रोकथाम की जिम्मेदारी अब एनजीओ को सौंप दी है। आयुष्मान भारत के तहत छत्तीसगढ़ में एनजीओ अथर्व एग्रीक्योर प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर जिले में मुफ्त दवा बांटेगी। इस संस्था गंभीर बीमारियों की दवा बांटेगी। संस्था का कहना है कि लोगों को बीमार होने से पहले दवा खिलाएंगे। लखनऊ की ये संस्था दावा कर रही है कि होम्योपैथी दवा देकर लोगों को बीमारी से बचाने का प्रयास किया जाएगा। आयुष मंत्रालय द्वारा इस एनजीओ को मुफ्त दवा बांटने का काम दिया गया है। बिलासपुर जिले में वर्कशॉप संस्था द्वारा लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मलेरिया डेंगू स्वाइन फ्लू की दवा देने के साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी संस्था करेगी। पेन इंडिया के तहत भारत सरकार चिन्हित किया गया है 5 प्रकार की बीमारी को, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, ये सब बीमारी को हमको इलाज कराना है। प्रिवेंटिव मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूटर का काम मिला है। पखांजूर के कई इलाकों में लोग गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कालीनगर मोहल्ले के ग्रामीण लगातार पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। साल भर से स्वच्छ पेयजल की गुहार ग्रामीण लगा रहे हैं। गांव में पानी का हेडपंप है लेकिन एक ही हेडपंप है, जिसके चलते आयरन युक्त पानी निकल रहा है जो न तो पीने योग्य है और न ही कोई काम में लाने योग्य है। ग्रामीणों ने गंदे पानी की शिकायत अधिकारियों से की है, पर कोई ध्यान अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा। ये नल का पानी नाल निकलता है,
लान ले जाता है, इसलिए हम लोग दूध से पानी लाता है। इसमें कीड़ा वड़ा भी निकलता है क्या? कीड़ा नहीं निकल, कीड़ा तो निकलता है थोड़ा थोड़ा। कितने दिन से समस्या बना हुआ है? एक साल हो गया। कभी शिकायत की है आप लोग? हाँ किया था। क्या बोलते हैं अधिकारी? उन लोग बोलता है कि देंगे देंगे करके, फिर भी ध्यान नहीं देता है। सर यहाँ पर बहुत गंदा पानी निकलता है, लाल भी निकलता है, करीब एक साल से खराब है। अधिकारी को जानकारी देते हैं तो नल का पानी कोई समस्या कोई सुविधा नहीं है, यही यही बात है। कहाँ से पानी पी रहे हैं आप? पानी तो बहुत दूर से लाना पड़ता है सर। तहसील कार्यालय गोंडा गांव जो वर्ष 1943 से अस्तित्व में है, लेकिन इसे लगभग आज 75 वर्ष हो गए हैं। यहाँ परिसर में आज भी लोगों के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कार्यालय में दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों पर कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो स्वच्छ भारत मिशन की पोल खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। काम से आया था, सब होने के बाद सब करने की जगह था तो इधर नहीं है, सब जगह टूट गया है पहली वाला। यहाँ हजारों 2000 आदमी तहसील में आते हैं, यहाँ पे साफ करने का जगह नहीं है, बाथरूम जो था उसको भी तोड़ दिए हैं, यहाँ बहुत परेशानी जाता है। पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से शुरू की गई हरिहर छत्तीसगढ़ योजना बस्तर में भी दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। भाजपा सरकार ने पर्यावरण को बचाने की इस योजना की शुरुआत की थी, और इसी हरिहर योजना के तहत बस्तर संभाग के 6 जिलों में बीते 4 वर्षों से हजारों की संख्या में वृक्षारोपण किया गया था, जिसमें फलदार पौधे समेत नीलगिरी, अर्जुन और सरगी और साल वनों के पौधे लगाए गए थे, लेकिन देखरेख के अभाव में ये पौधे अब नष्ट होने की कगार पर पहुंच गए हैं। आलम यह है कि बीते साल भर में सिर्फ 2 बार ही पौधों को पानी दिया गया है। बस्तर में भी हरियर छत्तीसगढ़ योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। दरअसल भाजपा सरकार जब थी उस वक्त बस्तर संभाग को हरियर बनाने की योजना चल रही थी, जिसके तहत बस्तर में लगभग 140,000 पौधे लगाने का काम किया जा रहा था। लेकिन जब हम 2 वर्ष के बाद जमीनी स्तर पर यहाँ पर पहुंचे हैं, लामनी में जो ये योजनाएं की गई थी, जहाँ पर करीब 1720 पौधे लगाए गए थे, लेकिन आप देख सकते हैं हरा भरा तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन जो अंदर जाके आप देखेंगे तो देखिए कि कैसे सूखा हुआ है, रख रखाव के अभाव में ये पौधा सूखता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बस्तर में पौधे तो लगते हैं, लेकिन रख रखाव के अभाव इतने कम हैं कि पानी नहीं मिल पाता पौधे को, जिसके कारण पौधे सूखते नजर आ रहे हैं। अगर यही स्थिति रहा तो बस्तर संभाग, जिसको ऑक्सीजन जोन भी कहा जाता है, ये खत्म होता नजर आएगा। जगदलपुर से आशुतोष तिवारी, स्वराज। और अब खबर गरियाबंद से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सबसे रोचक कार्यक्रम दर्रीपारा के सीआरपीएफ कैंप में देखने को मिला। अक्सर दुश्मनों के छक्के छुड़ाते नजर आने वाले सीआरपीएफ जवान इस खास मौके पर पौधरोपण करते हुए देखे। विश्व पर्यावरण के अवसर पर जवानों ने अपने कैंप में कई प्रकार के फलदार पौधे लगाए। कमांडेंट राजधर सिंह ने भी खुद अपने हाथों से पौधरोपण किया। साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की कि वो अपने जीवन में कम से कम एक पौधा रोपकर उसकी अपने बच्चों की तरह परवरिश करें। इसी तरह जिले में अन्य जगह भी कार्यक्रम हुए, जहां पर्यावरण को बचाने के लिए लंबी चर्चा हुई। अपने तादाद को कैसे स्थापित करें, अपने संबंध को, अपने संतुलन को कैसे बनाएं? ये शुरुआत हम पृथ्वी पूजन से, अरण्य स्तुति से और जलवायु संकट से निपटने के जो अपने संकल्प है उससे करना चाहते हैं। और आज इसीलिए एक प्रतीकात्मक रूप में हमारे इस महानदी पैरी अंचल के क्षेत्र में इस दिवस पर आए हैं। हम आज 265 बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस मनाए हैं, और हमें पूरे दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ पौधों को बचाएं और अपने जलवायु को परिवर्तित होने से बचाने के लिए सबसे अपील करता हूं कि पेड़ पौधों को लगाएं और उनकी सुरक्षा करें, वनों की कटाई ना करें। यही हमें देशवासियों से मिली। अब खबर राजन गांव से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शहर के निर्मल ऑडिटोरियम में प्रतिबंधित प्लास्टिक और विकल्प से फलोद्यान प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पद्मश्री हाजी कली मुल्ला खान शिरकत कर व्याख्यान दिया है। साथ ही राज्य शासन के विषय विशेषज्ञों ने अभी अपने विचार रखे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं विकल्प से फलोद्यान प्रबंधन कार्यक्रम पर कार्यशाला आयोजित किया गया है,
और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि फलियाबाद उत्तर प्रदेश के पद्मश्री और मैंगोमेंट से नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री हाजी हाजी आज कार्यशाला में शिरकत किए हुए थे। और बम लगाकर उनको परेशान नहीं होना चाहिए, उनकी जो हो सकती है अगर वो नुकसान में है तो भाई गवर्नमेंट थोड़ा बहुत उनका बोझ उठा दे, लेकिन उन पर प्रबंध लगना तो इतना जरूरी है, अगर प्रबंध न लगा तो ये हमारा मुल्क डूब जाएगा। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए सुरार एक्सप्रेस।